नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं मोहित खरोटिया, आपका होस्ट एंड दोस्त, एक बार फिर से नई कहानी लेकर आपके पास पहुंच चुका हूं। तो हमारी आज की कहानी है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गाँव में हुआ, जो कि नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल की तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मणी देवी नामक स्थान पर स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी ने अपने नहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम बुद्ध गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा सुदोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा इत्यादि जब उनके घर में पहुँचे तो उन्होंने पहाड़ से निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या पवित्र पथ प्रदर्शक, या तो वह साधु बनेगा। सुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मणों विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक ही दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो महान राजा बनेगा या वह महान पवित्र आदमी बनेगा, अर्थात वह कोई फकीर या बाबा बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति का एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्मदिन दिवस व्यापक रूप से थेराबदा देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का वन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इनका परिचय उनके आरंभिक जीवन की घटनाओं से पता चलता है। घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए हंस की सहायता की और उनके प्राणों की रक्षा की। शिक्षा, यदि बात करें इनकी शिक्षा और विवाह की, तो सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही था, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हांकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा से विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन बाद में उनका मन वैराग्य में चला गया और वे सुख शांति को त्याग करके अपने परिवार को त्याग कर दिया। राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गाना मनोरंजन सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए, पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे और शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ चुके थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ा था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ घूमने निकले तो एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर ले जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे, कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों से सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, और धिक्कार है ऐसे जीवन को जो इतनी जल्दी अपना
अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेंगी? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर पर निकले तो उन्होंने एक सन्यासी दिखाई दिया। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी सिद्धार्थ को मन मोह लिया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुमोले राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलाम और उदक रामपुत्र के पास पहुंचे, उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह अरुबेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह का तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल 3 चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया था। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए, सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्य मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गई कि नियमित आहार विहार से योग सिद्ध होता है, अति किसी बात या किसी अच्छी से नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 34 वर्ष की आयु में वैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे धनास्थ हो गए। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान लगा रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हों। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई, उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया गया और जो वह स्थान था वह बोध गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आगे महात्मा बुद्ध जी के जीवन पर और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके पास पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Wow.